नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नव्या फूड ब्लॉगर में। तो चलिए आज हम चावल के आटे से कुछ बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैं चावल के आटे से बना रही हूँ, लेकिन आपके पास अगर चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को पीस करके बना सकते हैं। तो चलिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है। यहाँ पे है जीरा, नमक, गाजर जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, एक प्याज है जिसको मैंने बारीक करके इस तरीके से कट कर लिया है, एक से दो हरी मिर्च है और चार से पांच कड़ी पत्ता है। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या आपको और सब्जियां डालनी है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसे कैसे बना करके तैयार करना है। तो यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक कटोरी चावल का आटा जिसको मैंने छान लिया है। आप कोई भी मेजरिंग कप कर लीजिएगा, उसी से आप नाप करके ले लीजिएगा। इसी के साथ अब मैं डालने वाली हूँ इसमें कुछ मसाले, जिसमें हाफ टी स्पून साबुत जीरा, हाफ टी स्पून में नमक डाल रही हूँ। आप टेस्ट के अनुसार डालें, आपको जितना पसंद है। और अब इसमें हम डाल देते हैं ये सब्जियाँ, जिसमें जाएगी गाजर, प्याज, और हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, तो हम इसे पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं सभी सब्जियों को, जिससे कि इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। आप चाहे तो अगर आपको क्रंचपन चाहिए तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच सूजी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमने जिस कटोरी से आटा नापा था उसी कटोरी से हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने एक कटोरी चावल का आटा लिया है, तो यहाँ पे मैं डालूँगी 2 कटोरी पानी। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और इसे मिक्स करूँगी। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कीजिएगा जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे। तो ये देखिए कटोरी पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसी से एक कटोरी पानी और ले लेती हूँ। तो ये हमारे पास हो गया 2 कटोरी पानी। जब तक मैं इसे बैटर को रेडी कर रही हूँ फ्रेंड, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये लीजिए मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया है और ये कुछ इस तरीके से ये इसका बैटर पतला बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए आप चाहे तो इसे रेस्ट पे छोड़ सकते हैं या इसके हाथों हाथ ही बना करके तैयार कर सकते हैं। जब भी कभी हल्की फुल्की भूख हो और कुछ बनाने का या बेलने का मन ना हो तो आप इस तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका बैटर कुछ इस तरीके से पतला होना चाहिए जैसे डोसे का होता है। तो ये अच्छी तरीके से हमारा बैटर रेडी हो गया है। चलिए अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैं रेस्ट दे देती हूँ। ये ऐसा डोसा है, हम आज डोसा बना रहे हैं, ये ऐसा डोसा है कि आप इसे इसी तरीके से बना करके खा सकते हैं, या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या किसी भी सब्जी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये खाने में इतना टेस्टी है और बच्चों के टिफिन में या लंच बॉक्स में आप कभी भी इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट हो गई है, बैटर भी अच्छी तरीके से हमारा रेस्ट हो चुका है। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डोसा तवा रख लिया है, ये नॉन स्टिक तवा है, आप इसे पैन में बना करके तैयार कर सकते हैं। इसे गर्म होने देते हैं अच्छे तरीके से। तवा गर्म हो गया है, अब हम इस पर थोड़ा सा तेल या घी लगा सकते हैं, हल्का सा लगा लीजिएगा इसे एक ही बार में। बस ये तवा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब हम एक बार इसे बैटर को चला करके तब इसके अंदर डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे तवे के। तो यहाँ चला लिया है, बैटर ले लिया है मैंने, इस तरीके से उठाएंगे और इसे सेंटर में डाल देंगे। मैं इसे चमचे से डाल रही हूँ, आप इसे कटोरी से भी डाल सकते हैं। तो वह इस तरीके से इसे फैला करके तैयार कर देंगे।
तो यहाँ ये देखिए मैंने इसको डाल दिया है और इसे अभी एक साइड से सिकने देते हैं। जब ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा हम इस पर थोड़ा सा तेल या घी बटर जो भी आप लगाना चाहें वो ऊपर से थोड़ा लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा क्रंचपन आ जाएगा इसके अंदर और एकदम सिक करके रेडी हो जाएगा। तो ये लीजिए मैंने इस पर थोड़ा सा तेल इस तरीके से लगा दिया है, अब इसे सिकने देते हैं। देखिए जब ये सिकना स्टार्ट हो जाएगा तो ये चारों तरफ से अपने आप ही हटना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये हटना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसे नहीं करेंगे, अभी इसे अच्छे तरीके से सीखने देंगे जब तक ये इसमें थोड़ा कलर ना आ जाए। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। वाह ये देखिए ये एक साइड से हो गया, इसे हम पलट सकते हैं। पलट के भी हम इसको इधर से भी थोड़ा करारा कर लेंगे। आप इसे एक साइड से भी सेक करके तैयार कर सकते हैं जिस तरीके से हम डोसे को करते हैं, पर मैं इसको थोड़ा और करारा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको पलट के सेक रही हूँ। तो ये दोनों साइड से सेक करके तैयार हो गया है, आइए अब इसे निकाल लेते हैं। तो इसको मैंने निकाल लिया है, आइए इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेते हैं। बैटर को जितनी बार भी डालेंगे उसे एक बार चला करके तब हम इसके ऊपर डालेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये जो इसमें जाली है ये जाली बननी चाहिए, बहुत अच्छी लगती है इससे। इससे हमारा ये डोसा करारा बन करके तैयार होगा। ये देखिए ये लीजिए ये हमने डाल दिया है, अब इसे सिकने देते हैं। जब ये सिक जाएगा तो इस पर थोड़ा सा तेल और हम अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। बस अब इसे और अच्छे तरीके से करारा होने देते हैं और इसे सिकने देते हैं। जब ये सिक करके तैयार हो जाएगा नीचे से तो ये अपने आप ही साइड से हटने लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये एक साइड से मैंने इसको सेक रही हूँ, मैं पलट के नहीं सेक रही हूँ, मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ। आपको अगर इसे और भी ज़्यादा क्रंची बनाना है तो आप इसको पलट करके दोबारा सेक सकते हैं दूसरी साइड से भी, लेकिन मैंने एक वो आपको दोनों साइड से सेक के बताया है, ये इसको मैं आपको एक ही साइड से सेक के बता रही हूँ। इसे बस इसे थोड़ा सा घुमाते रहेंगे इस तरीके से जिधर से भी कच्चा होगा। ये सभी तरीके से करारा बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे भी निकाल लेते हैं। देखिए कितना करारा ये बन करके तैयार हुआ। आप इसमें आलू की स्टफिंग भी भर सकते हैं या आप इस तरीके से भी इसको रख सकते हैं। तो ये लीजिए हमारे दो डोसे बनकर के हो गए हैं तैयार। बस आप इसे गर्मा गर्म खाइएगा, बनाइएगा और दूसरों को भी खिलाइएगा। देखिए तो मैंने इसे यहाँ पे सांभर के साथ सर्व किया है, आप इसे किसी भी सब्जी के साथ या चटनी के साथ या बिना चटनी सांभर के भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बच्चे भी इसको आराम से खा जाएंगे। देखिएगा मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ ये कितना करारा बन करके तैयार हुआ है। ये देखिए ये देखिए इसका करारापन। तो बस इसी तरीके से बनाइएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।